सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मैंने क्या बोला था, रिजल्ट डिस्प्ले विल बी मेड बाय लेट इवनिंग। जो होता है ना, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो शाम तक नहीं जाता है, वो 10 से लेकर 10:30 के बीच आपको रिजल्ट दिख जाता है। और आज हुआ भी ऐसा, आज मैं बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ समझाऊंगा। रिजल्ट आउट हो चुका है, जो भी आपके मार्क्स हैं, आपने कितना स्कोर करा, आप कितने मार्क्स से रह गए कट ऑफ से, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो कितने मार्क्स से हुआ है, क्या कट ऑफ रही है, एंड फाइनली वैकेंसीज कितनी थी इस बार। क्योंकि हर बात में लिखा जाता है कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेकिन अप्रैल 1 तारीख तक यानी मार्च 31 तक क्या स्टेटस है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्या स्टेटस है, उस पे जो है फाइनल सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट वो जारी हो जाता है। बाय गॉड्स ग्रेस दोस्तों, जिन्होंने भी मेहनत करा सबका सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक मार्क से, डेढ़ मार्क से, दो मार्क से, अनेक आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चारों तरफ जो है आप देख सकते हो दोस्तों, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा इतने मार्क्स रह गया, उतने मार्क्स रह गया। दोस्तों उठा के देख लीजिए कट ऑफ, यू आर माई थिंक 41 कुछ कट ऑफ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आईपीएस क्लर्क में 8,500 वैकेंसीज छू गए, आप देख सकते हो, साइड में जाकर पूरा क्लियर चेक कर सकते हो कि स्टेट वाइज भी क्या वैकेंसीज रही है। पीओ में भी आई थिंक 5,500 का वैकेंसीज रहा, तो फाइनली वैकेंसीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अब सिलेक्शन जो भी हुआ, मैं आप सभी को सुबह भी बताया था कि वेदर इट मे बी इन योर फेवर और इट मे नॉट हैपन इन योर फेवर, चीजें जो है कुछ कंक्लूजन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसी का कहना है कि सर मेरा इंटरव्यू खराब रहा इसलिए मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, किसी का कहना है दोस्तों कि मेंस जो है इस वाले सेक्शन में उतना स्कोर नहीं हो पाया इसलिए मेरा खराब रहा। ये जेन्युइन सी बात है, ये होता है, एग्जाम कहीं ना कहीं तो चुक हुआ होगा इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन ये अप्रैल 1 तारीख है, ये एक नया सीजन है बैंकिंग फाइनेंशियल ईयर का, एक नया है, आज हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए। अगर खराब हो भी गया है ना, तो फिर आप ये सोचो कि इस बार का जो कैलेंडर ईयर है उसके लिए मैं कितना प्रिपेयर्ड हूं। फिर वही चीज हो जाता है, अगर आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आज से अगर आपने अच्छे प्रिपरेशन करा, तो अगले साल आपको जनवरी 1 में या तो अप्रैल 1 तारीख में एक फाइनल सिलेक्शन आपको दिखेगा। कितना लंबा प्रोसेस होता है ना, कितना लंबा प्रोसेस होता है आप सोचिए। इसे दोस्तों हर चीज का पेशेंस जरूरी रहता है। ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, गॉड ने हमको कुछ और सोच के रखा होगा। अभी तो एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। एसबीआई क्लर्क में तो आपको जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भी अच्छा खासा आपको दिख जाता है, तो हो सकता है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाए। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री रहिए, सबक लीजिए और पढ़िए। क्योंकि अभी एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि सर पटकने से तो होगा नहीं कुछ, आज दुख लगेगा, तकलीफ पहुंचेगा, एंड आई थिंक दैट इज नेचुरल, वो होता है, वो सबको होता है। लेकिन एक बार जब जॉब लग जाता है ना, तो फिर मस्त लगता है ये सोच के देखो, अभी तो रिवाइज सैलरी भी हो गया है, तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो अच्छी बातें हो रही है, तो भाई ना हम पढ़ाई क्यों ना करें। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में ऐसा नहीं कि 6 महीने लगता है, कई ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन आज फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आई कैन टेल यू विद एग्जांपल्स कि लोग अभी भी मेंटली इतने स्ट्रांग है ना कि दे आर रेडी टू फाइट अगेन। क्योंकि अगस्त में एग्जाम होगा आरआरबी का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना ऐसे ही गुजर जाएगा दोस्तों। सो यू डोंट हैव टाइम, आप सोचिए मत कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप एग्जाम नहीं दिख रहा है, दिस आर ऑल नेगेटिविटीज। ये ऐसा है दोस्तों, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आपके पास टाइम इतनी पड़ी हुई है और तरफ देखेंगे तो शायद टाइम है भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रिपेयर रहिए और आज से शुरू करिए। ठीक है, एक काम करिए, आप डाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स ले लीजिए। ठीक, वो कोर्स अगर आप लेते हो तो एक गोट का भी प्रोग्राम चल रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वहां पर अच्छे आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। ठीक है, आपको सारे एग्जाम्स वहां पे कवर दिखेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कोर्सेस मिल जाएगा, 1-to-1 आपको जो है वो आपको मेंटर्स आपको गाइड करेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप खरीदो गाइडली का कोई भी कोड, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मेरा कूपन कोड लगाते हो SFY12, तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं, लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं। पॉजिटिविटी के साथ रहिए और नया शुरुआत वो अच्छे से करिए। मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा के लवी लोग, ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार।